हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से आ रही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तड़कती भड़कती इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो आज की वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके करियर के पर्पज से, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूजीसी के क्या अपकमिंग प्लान है फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वैसे मैं बता दूं कि ये न्यूज़ कल आई थी, वैसे मैं थोड़ा सा इस वीडियो को बनाने में डिले कर दिया मैंने, बिकॉज कल मैं शाम को गया हुआ था रामलीला देखने के लिए। तो कभी कभी लाइफ में थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना चाहिए, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो डिले होगी। बट कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरीके से जो है अब चीज़ें रहने वाली हैं, किस तरीके से आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और क्या कुछ न्यूज़ आ रही है यूजीसी की तरफ से। गाइज देखिए, अगर हम विजिट करें यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदेश कुमार जी, इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, तो यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया एक न्यूज़ के बारे में बताया हमें। और इस न्यूज़ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पढ़ करके कि क्या लिखा हुआ है। दैट इज़ कि सहायक प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म करने की पर बनेगी समिति। देखिए, ये हुआ ये था कि 2023 में, मतलब जो साल आने वाला है, इसमें पीएचडी कंपलसरी होने जा रही थी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी पीएचडी कंपलसरी थी नहीं, होने वाली थी, बट इस अनिवार्यता को कम्प्लीटली खत्म करने का जो है वो प्लान कर लिया गया है। यहाँ पर जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, इन्होंने इस बारे में बताया, दैट इज़ कि सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी को अनिवार्य करने पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ जैसे डिज़ाइन हो गया, विदेशी भाषाओं आदि के पीएचडी शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक अच्छे शिक्षक और उसके पीएचडी होने में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। गाइज, ये एकदम सही बात बोली इन्होंने, दैट इज़ कि पीएचडी कर लेने से अगर आप अच्छा पढ़ाने लग जाओ, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज देखिए, जब हम एक टीचर की बात करते हैं तो एक टीचर कौन होता है, जो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करे, अच्छे से आपको कन्वे कर सके, जिस तरीके से चीज़ों को समझाना है उस तरीके से चीज़ों को समझा सके, वही एक अच्छा टीचर है। अब उसके पीएचडी होने से ना होने से इस बात पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और वैसे भी आपको पता है कि जो पीएचडी की जाती है पर्टिकुलर फील्ड में की जाती है, मतलब ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे सभी में तो आप पीएचडी करोगे नहीं, एक पर्टिकुलर फील्ड में पीएचडी करोगे। तो ऐसे में 3-4 साल 5 साल जब आप लगा देते हो पीएचडी में, तो उसके बाद जो भी आपकी अदर सब्जेक्ट की नॉलेज है इनफैक्ट वो और कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और गाइज, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था कॉलेज में, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तब वहाँ पर जब इंटरव्यू का दिन था तब वहाँ पर पीएचडी होल्डर भी बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, और उस टाइम पर मेरे पास पीएचडी नहीं थी, अभी भी नहीं है, उस टाइम पर भी मेरे पास पीएचडी नहीं थी। तो मैं बहुत डरा हुआ था, बस मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ था और मैं जस्ट एक फ्रेशर था। जब मैं इंटरव्यू में देने गया अंदर, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार यहाँ पर तो पीएचडी होल्डर भी बैठे हुए हैं, मेरा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो इंटरव्यू पैनल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना देखता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, क्या आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो, नहीं कर पाते। तो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, प्लस आपका एक छोटा सा डेमो हो सकता है, मेरा तो डेमो हुआ था, आपका भी हो सकता है। तो छोटा सा डेमो लेकर देखा जाएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे इफेक्टिव तरीके से या नहीं कर पाओगे। और गाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पीएचडी होल्डर थे उनका रिजेक्शन हो गया और मेरे पास पीएचडी नहीं थी और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था वो। तो गाइज, यहाँ पर अब मैं उसी चीज़ से समझ गया था कि पीएचडी का और अच्छे टीचर से होने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नथिंग इज कि अगर आपको अच्छा टीचर बनना है या टीचर आपका सिलेक्शन करवाना है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, पहली चीज़ तो आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत भयंकर तरीके से कमांड होनी चाहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ, तो जिसके मेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये जो मेन सब्जेक्ट है इस पर मेरी बहुत अच्छे से कमांड है, मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ता था कॉलेज में भी, और जब मैं इंटरव्यू देने गया तभी मैं बहुत अच्छे से पढ़ करके गया था। और सेकंड थिंग गाइस, कि आपको चीज़ों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसको आप क्लियर बोलो ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हो। तो ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, प्लस एक छोटा सा कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस है, एज ए फ्रेशर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। गाइज, ये बहुत अच्छी न्यूज है, और यहाँ पर जो कमेटी बनी है, इस कमेटी की जल्दी ही एक यहाँ पर गाइडलाइंस आ जाएंगी। और जहां तक मुझे लगता है गाइज, पीएचडी के जो कंपल्सन जो किया गया वो खत्म हो जाएगी। आप पीएचडी क्यों करेंगे फिर लोग, क्योंकि गाइज असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन जाओगे जो एज एंट्री लेवल पोस्ट होती है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब हम बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर या बनते हैं हम ओनली प्रोफेसर,
मतलब जब आपका प्रमोशन होता है तो वहां पर आपको पीएचडी जरूरी होती है, पीएचडी कंपलसरी होती है इन लोगों के लिए, तो फिर उस केस में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाएगी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक बार आप एंट्री कर जाओगे तो आगे प्रमोशन के लिए आप आगे पीएचडी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी भी रहती है, और इसके अलावा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, ये रेगुलर प्रोफेसर को भी अपने यहाँ रेगुलर पीएचडी करवाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आपकी जॉब लग जाती है कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाते हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अगर आप चाहो कि मैं जॉब करते करते पीएचडी कर लूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करते हैं कि भाई आप अपने रेगुलर जॉब भी करते रहो टीचिंग की, और प्लस उस केस में आप हमारे यहाँ पर रेगुलर पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आप पढ़ाई जॉब करते करते भी पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होती है कि आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करोगे आप पीएचडी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आप टीचिंग कर रहे हो, दिल्ली दिल्ली के अंदर ही टीचिंग कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो रेगुलर पीएचडी करना चाहते हो, टीचिंग कर रहे हो मुंबई में बैठ करके, है ना। तो ऐसे में आप विजिट तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, रिसर्च के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप दिल्ली में ही कहीं पढ़ा रहे हो टीचिंग कर रहे हो, तो आप इवनिंग में जा सकते हो, मॉर्निंग में जल्दी जा सकते हो, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन जा सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है आप लोगों के लिए कि रेगुलर जॉब के साथ साथ भी आप पीएचडी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। तो गाइज देखिए, जो यहाँ पर न्यूज देखने को मिली हमें पीएचडी से रिलेटेड, कि अब इसके अनिवार्यता खत्म की जाएगी, तो अब ये यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब आपको लोगों के अंदर जो है आग लग जानी चाहिए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने की। बिकॉज पहले क्या था कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो रहे थे कि यार नेट क्वालिफाई कर लिया फिर भी फ्यूचर में तो पीएचडी चाहिए होगी हमें, लेकिन अब पीएचडी कंपलसरी नहीं है, ओनली नेट चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट आप ऑलरेडी हो चुके हैं, केवल नेट चाहिए, उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब गाइस देखिए, अगर हम बात करें एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की, तो जो सैलरी रहती है वो 60 से 65 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहती है, और ये जो सैलरी है वो रिवाइज होती रहती है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट में सैलरी बढ़ती ही रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सैलरी बढ़ती ही रहती है, कोई या तो डीएनएस अलाउंस बढ़ जाता है, फिर बेसिक पे बढ़ जाता है, तो सैलरी बढ़ती रहती है। और प्लस अगर हम बात करें कि अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप प्लेस हो जाते हो, वहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है, तो आपकी इन हैंड सैलरी 90,000 के आसपास होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अमाउंट माना जाता है। और गाइज देखिए, टीचिंग से रिलेटेड कोई अच्छी जॉब नहीं मानी जाती, बिकॉज बहुत नोबल प्रोफेशन है ये। एंड सेकंड थिंग कि आपकी सोसाइटी में भी एक बहुत अच्छी इमेज बन जाती है सभी की नज़रों में, क्योंकि एज ए प्रोफेसर एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। तो अब जो है आपके लिए केवल और केवल नेट रिक्वायर्ड रहेगा, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जी जान लगा दो। अभी देखिए फॉर्म निकलेंगे नवंबर दिसंबर के मंथ में फॉर्म निकलेंगे, और एग्जाम आपका मार्च अप्रैल के आसपास जाकर के होगा, जो दिसंबर वाला सेशन है। तो आपके पास लगभग लगभग 6 मंथ है, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आप जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे यूजीसी नेट के लिए, उतना ही ज्यादा आपकी चांस होंगे कि आपकी जो जॉब है फ्यूचर में लग ही जाएगी कहीं ना कहीं। सो गाइज, आप हमारी यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, आप कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आज हमने मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया है, आज 2 अक्टूबर है, आज आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है मैनेजमेंट पे और पेपर 1 वाले कोर्स पे। तो अगर आप चाहते हो एक सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करना, तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। ये जो फ्लैट 50% का डिस्काउंट है वो सिर्फ आज आज के लिए अवेलेबल है, आज 2 अक्टूबर है, और या फिर स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करेंगे उनको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लैट 50, FLAT फ्लैट और आगे लिख देना 50। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है फीस एग्जैक्ट 50% हो जाएगी। गाइज, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके से चीजें अब होने वाली हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।